इंदौर नगर निगम की आम जनता से बदसलूकी लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है पिपलियाना पर, जहां एक अंडे के ठेले को निगम कर्मियों ने उल्टा दिया, लेकिन उसके बाद भी उनका कहर नहीं रुका और लगातार वहां पर मौजूद अन्य ठेले संचालकों के साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद जाँच की बात कही जा रही है। अभी तक आपने साउथ की मूवी में तोड़फोड़ और अलग अलग तरह के दृश्य देखे होंगे, लेकिन इंदौर नगर निगम के कर्मचारी कोरोना संकट काल में किसी साउथ के विलेन से कम नजर नहीं आ रहे हैं। जहां पिछले दिनों निगम की कार्य प्रणाली को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने मोर्चा खोलते हुए जमकर नगर निगम को आड़े हाथों लिया था, लेकिन उसके बाद भी निगम कर्मचारियों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या हो गया था? ये बोलते हैं यहां से भाग जा। अच्छा, ठेला लगाकर जा देना पार्किंग में। कितने बजे ठेला लगाया था तूने? सुबह से। सुबह से अभी धुलवाया उन्होंने? पैसे मांग रहे थे? हाँ। कितने? 100 रुपए। 100 रुपए मांग रहे थे? हाँ। अच्छा, बोलते हैं यहाँ से ठेला था, जब कर ले। अच्छा, निगम कर्मियों ने वहां पर एक के बाद एक कई ठेले संचालकों से बदतमीजी की। वहीं घटना से संबंधित वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो निगम अधिकारियों ने मामले की जांच करने की बात कह दी। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है और सोशल मीडिया पे देखने के बाद मैंने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से बात की। अधिकारियों कर्मचारियों से बात करने के बाद ये पता चला कि ये मूसाखेड़ी की घटना है, जहां पर एक ठेला रोड डिवाइडर पर खड़ा हुआ था, जो जिले की इस बाबत निर्णय लेने के लिए एक आपदा प्रबंधन समिति है, उसके निर्णय और कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार सभी ठेलों को चलायमान करने के कराने के प्रयास कर रहे हैं नगर निगम। इसके लिए टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। मूसाखेड़ी में जब ये नगर निगम की टीम पहुंची तो नगर निगम की टीम ने संडे के ठेले को ये कहा कि तुम खड़े होकर मत बेचो, चलायमान रखो और चल फिर कर बेचो। तो उसने गुस्से में तैस में आ गया और तैस में आकर उसने अपना ठेला खुद ही पलट दिया और नगर निगम वालों से झंझट करने लगा। फिर उसके बाद वो नगर निगम की टीम वहाँ से चली गई। हालांकि ये एक संवेदनशील मामला है इस समय, खासकर कोविड के समय।